Welcome back, my friend. I hope you are doing very well, safe होंगे, ठीक होंगे. और आज आपके सामने मैं आपको एक delicious recipes जो मेरी favorite है, मैं चाहता हूँ आप भी पसंद करेंगे. मैं बनाने जा रहा हूँ veg burger. This one is for मैं later आपको इनके ingredients के बारे में बताऊँगा. First of all मुझे लगता है कि मेरा आई लुक लाइक इज वेरी टायर्ड. आई एम सो सॉरी. आई हैव अ लॉट ऑफ डूइंग्स एंड ऑल्सो आई हैव प्ले सॉकर, आई हैव कुकिंग वर्क एंड ऑल्सो फॉर, बट स्टिल आई एम फाइन, थैंक गॉड. एंड नाउ आई कैन शो यू फॉर व्हाट इज इंग्रेडिएंट्स आई नीड. दिस वन इज फर्स्ट ऑफ ऑल बन फॉर बर्गर्स. एंड उसके बाद हमें चाहिए फॉर कैरेट, garlic, ginger. This one is have butterscotch. A lot of people, our Pakistani friends, Indian friends, जानते होंगे इसको. English में तो butterscotch बोलते हैं. तो ये इसका taste look like ऐसा होता है कि ये taste have sweet potatoes and और ये green pumpkin, उसका taste जैसा taste है. ये भी हमें चाहिए. उसके साथ हमें चाहिए ये है कोरिएंडर एंड ये है हमारी सैलेड, इसे बोलते हैं कैबेज, मींस चाइनीज कैबेज. एंड हमें चिल्ली चाहिए और ये हमारे पापड़ोम्स हैं जिसे हम पापड़ बोलते हैं. और इसके लिए हमें इस रेसिपी के अंदर आप पनीर भी यूज़ कर सकते हैं, चीज़ भी यूज़ कर सकते हैं इसमें. और हमें चाहिए ये मैदा, ग्राउंड फ्लावर एंड मीन्स लेंटल्स. और इसके लिए जो स्पाइस चाहिए हमें क्यूमन, ये चाहिए टर्मरिक, क्यूमन पाउडर और सॉल्ट एंड ब्लैक पेपर. और हमें चाहिए योगर्ट हमें चाहिए फॉर इसकी मायोनीज. कुछ लोग मायोनीज यूज करते हैं और मैं यूज़ करता हूँ ये ग्रीन चटनी बर्गर के अंदर. और उसके लिए हमें ये ग्राइंड करेंगे इसके साथ. और चलो हम आपको दिखाते हैं कि कैसे हमने स्टार्ट करना है. Yes guys, now मेरी कटिंग एवरीथिंग इज डन हो गया है. और अभी मैं एक बॉल लूँगा, बॉल के अंदर अभी बटर स्कॉच डालूँगा सारा. और उसके बाद मेरे जो कैरेट है वो डालूँगा सारी. और इसके बाद एक एक चीज़ मैं थोड़ा सा मिस कर गया था, अनियन. अनियन डालूँगा इसके अंदर और फिर मैं इसके अंदर डालूँगा चिली, ग्रीन चिली. और उसके अंदर फिर मैं डालूंगा जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट. नो पेस्ट, कद्दूकस किया हुआ. फिर इसके अंदर मैं डालूंगा जी चीज, मैं सॉरी फिर मैं इसको क्रश करूंगा चीज को इसके अंदर. जिसका टेस्ट होगा ना, आप पनीर भी डाल सकते हो और चीज भी डाल सकते हो, डिपेंड ऑफ आप जैसे लाइक करते हो. सम पीपल लाइक इट ओनली फॉर पनीर एंड मुझे चीज पसंद है, पनीर आई फेवरेट ऑल्सो. और मुझे पनीर भी पसंद है. बहरहाल मैं इसकी रेसिपी, आप पनीर डाल सकते हो, इंडियन पनीर कोई भी जो आप यूज करना चाहते हो इसके अंदर. फिर मैं थोड़ा सा लूंगा वाटर, वाटर मिक्स करूंगा थोड़ा सा. ये हमारा डन हो गया. फिर इसके अंदर मैं सीजनल डालूंगा जी, ये मेरे पास है क्यूमन, ये देख सा क्यूमन को थोड़ा डालूंगा.
और ये स्पाइसी नहीं होगा और बच्चे बड़े शौक से खाएंगे मेरे। और मैं बताता हूँ आपको, ये मैंने रखा हो, ये मेरे पास एक्स्ट्रा था टर्मरिक, ये वाला, ये टर्मरिक टर्मरिक इज गुड थिंग्स फॉर इम्यून सिस्टम। आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग बनाता है। ये हमें खाना चाहिए एवरी डे। और इसके अंदर मैं हसबे साइक का सॉल्ट, और इसके अंदर ब्लैक पेपर, और ग्राउंड फ्लावर, थोड़ा सा ग्राउंड फ्लावर यूज करूंगा। फिर इसको अच्छी तरीके मिक्स कर लूंगा। मिक्स करके करने के बाद थोड़ा सा मैं पानी यूज करूंगा इसको मिक्स करने के लिए। खास ख्याल रखें इसको ज़्यादा नहीं मैश करना, तो जो स्टिक हो जाए, जो हमारी पैटीज है ना, वो अच्छी तरीके बन जाए। इस वजह से जो इंग्रेडिएंट्स मिक्स हो जाए सारे, हमारा जो पैटीज का था वो डन हो गया है। अभी हम ऑयल मैंने रखा हुआ है शैलो फ्राई करने के लिए, हम फ्राई करेंगे और हल्का सा पानी लगाएंगे और उसको ऐसे बना के ना, ये देखें ये हमारी बन जाएगी। जिस हिसाब से हमने टिक्की बनानी है ना, उस हिसाब से हमें इसको बनाएंगे पैटीज, जो हमारी पैटीज ऐसे, ये देखें ये हमारी पैटीज है, ये देखें, हमारी पैटीज है। अभी मैं आपको, स्मेल्स सो गुड, oh my goodness, is look at fries, sounds awesome। अभी मैं इसको फ्राई करता हूँ, फिर मैं बाद में आपको नेक्स्ट प्रोसेस आपको दिखाता हूँ। अभी इसको जब मेरी एक साइड पक जाएगी तो मैं इसको दूसरी साइड चेंज कर दूंगा इसको। ओके, ये देखें साथ ही हल्का हल्का इसको चेंज करते रहना। ये देखिए वो माइनस लुक इसका कलर, सी यू लेटर गाइस। यस गाइस, आपने देखा कि मैंने ये पैटीज तैयार कर ली है। अभी इसको मैं आपको बनाना सिखाऊंगा कैसे हमने तैयार करना है, हमने बन लेना है। और मैंने ये ग्रीन सॉस है इसको मिक्स कर लिया था, इसको बना लिया था ग्रीन सॉस। इसके अंदर दोनों के अंदर दोनों ग्रीन सॉस लगाएंगे। देखिए ज़रा, ये देखिए ये टोटल ग्रीन सॉस है, और ये देखें इसके अंदर। अभी मैं थोड़ा थोड़ा करके पापड़ोंग डालूंगा सारों के अंदर। ये देखिए ये देखिए, फिर इसके अंदर मैं ये लूंगा बन, और पैटीज दोनों के अंदर पैटीज रखूँगी। देखिए हमारी पैटीज तो काफ़ी रेडी हो चुकी हैं, और पैटीज मैंने बना ली हैं। फिर इसके मैं रखूँगा ये ज़रा
चाइनीज लेटर्स, ये देखें। साथ I love coriander, देखें जरा फोकस करें इसको, जरा दिखाएं जरा, ये देखें मैं हल्का सा लगाऊंगा ये, देखें स्पैटीज के ऊपर भी, इसको फिर मैं कवर कर दूंगा, ये देखें जो हमारा स्टिक है इसके अंदर चला जाएगा। लिखें ये हमारा ऐसे ही, इसको कवर करते हैं, ये हमारा बर्गर रेडी हो चुका है। और इसके ये देखें स्टिक लगा दी गाइस, दिस इज आवर बर्गर्स, लुक इसकी, इसका टेस्ट सो गुड, आई ऑलरेडी टेस्टेड, मेबी यू लाइक इट, आई कैन ट्राई टू दिस, दिस इज फॉर ट्राई इट, Oh my God. Guys, this is so good. I love it. Thank you so much for watching my recipes. Please, any question, please send a comment and ask me. And thank you so much for watching and please like me, subscribe me. और प्लीज़ अपनी फैमिलीज़ को, रिलेटिव्स को शेयर करें। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।